हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे कैफे वाली हॉट कॉफी, जो घर पर ही हम इजीली बनाएंगे। घर पर रखे सिर्फ 3 चीजों से हम ये कॉफी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सी कॉफी हम घर पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक छोटा वाला मिक्सर का जार। तो इसके अंदर हम 10 वाला जो पैकेट आता है कॉफी का, वो हम पूरा की पूरा इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आपको मेजरमेंट बता दूं तो हमें इसे 3 चम्मच डालना है। जितनी आप कॉफी ले रहे हो उससे डबल क्वांटिटी में हमें इसके अंदर शक्कर डालनी है। जैसे कि मैंने 3 चम्मच कॉफी पाउडर लिया है तो मैं 6 चम्मच इसके अंदर शक्कर डालूंगी। इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे, पहले इसका पाउडर बना लेंगे और उसके बाद ही इसकी जो फ्लफीनेस है उसके लिए बस एक सीक्रेट चीज डालेंगे, तो जिससे कि इसका जो फ्लफीनेस है वो अच्छे से बन कर आएगा। इस पाउडर में अब हम एक आइस क्यूब डालेंगे और इसकी हम फिर से लीड लगा देंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये इसका जो फ्लफीनेस है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। आइस क्यूब आपको ज्यादा नहीं डालना है, पहले एक डालो और उसके बाद ही ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से घर पर इजीली कॉफी बना सकते हो तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये कॉफी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत इजी वाली रेसिपी है। कैफे में ये बहुत महंगी मिलती है लेकिन घर पर हम इजीली इसे बना सकते हैं। तो दूध को हमें उबाल लेना है, तो मैंने जो नॉर्मल वाला हमारा घर का दूध होता है उसे मैंने बॉईल कर लिया है। इस फेंटी हुई कॉफी को हमें इसी तरह से किसी भी जार में आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, पूरे हफ्ते तक ये अच्छी रहेगी। जब भी आपको कॉफी बनाना हो बस ये मिक्सचर ले लिया 2 चम्मच और उसके अंदर दूध ऐड कर दिया, बस हो गई हमारी कॉफी रेडी। बस मोड किया और कॉफी बना लिया। तो इस तरह से आप इसे बनाकर रख सकते हो और आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं आपको कॉफी बनाकर दिखाती हूँ, तो आप पूरे हफ्ते इस तरह से कॉफी बनाकर पी सकते हो। कॉफी का मिक्सचर कप में डालने के बाद दूध को हमें ऊपर से ऐसे उछालते हुए डालना है, जैसे कि ऊपर उसे खींचते लेकर जाना है दूध को, और इसी तरह से इसका झाग जो है वो परफेक्ट बनकर रेडी होगा और ये जो कॉफी है परफेक्ट झाग वाली कैफे स्टाइल कॉफी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, आप घर पर इसे इजीली बना सकते हो। आप चाहो तो उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन भी कर सकते हो, जैसे कि डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके अंदर चॉकलेट सिरप का यूज किया है और थोड़ा सा कोको पाउडर मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। बस इसी तरह से हमारी कॉफी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे इंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस फॉर द मोर रेसिपीज। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।